नमस्कार साथियों, जीवन ज्योति डॉट शक्ति प्रोग्राम में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आपको आज दो चीज़ दिखाना चाहूँगा जिनको हम जानते हैं खजूर के नाम से। ये देखिए, इनको हम कहते हैं खजूर। ये खजूर है जिसमें चीनी बिल्कुल नहीं मिली हुई है, ये ताज़े खजूर हैं। और साथियों, ये है छुहारा, जिनको हम छुहारे के नाम से जानते हैं। तो साथियों, ये दोनों फल एक ही पेड़ के हैं। दोनों, इसको फर्क ये है कि ये गीला है, इसलिए इसको छुहारा की बजाय खजूर कहते हैं। और यदि भी खजूर सूख जाता है तो ये छुहारा बन जाता है। तो साथियों, इसको हम दोनों तरह से खा सकते हैं। अभी जैसे कि ये सूखा नहीं है तो इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, और इसको हम रात को पानी में भिगोकर खा सकते हैं। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि ये खजूर खाने से आपको क्या-क्या लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये जो खजूर है ये बहुत अच्छा फल है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। रोजाना 4 खजूर खाने से बहुत सारी गंभीर बीमारियां दूर होती हैं, और खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और उसके बाद में जो उनकी खून की कमी है वो खजूर पूरी करता है। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं हम पेट के लिए। पेट में जो कब्ज है और आपका अम्ल ठीक से नहीं निकलता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिनका पेट साफ नहीं रहता है, जिनका पेट में कब्जी रहती है, बीमारियों का शुरुआत वहीं से होता है। यदि आपका पेट साफ हो जाएगा तो कोई भी बीमारी आपके शरीर को नहीं लगेगी। तो आप 4 खजूर सवेरे उठते रोज़ खाइए। अगर आपको ताज़े खजूर खाने हैं तो ये 3 से 4 खजूर खा सकते हैं, 3 से लेके 4 खजूर। और आपको ताज़े नहीं मिलते हैं तो आप रात को 3 से 4 खजूर भिगो के इनको ताज़े खाइए। तो सबसे पहले इसमें आपको फ़ायदा होगा, आपके पेट की सफाई होगी। आप जो भी खाएंगे आपके पेट में हजम होगा और आपको उससे ताकत मिलेगी। पेट में जो भी जो अधपचा खाना रह जाता है उससे आम बनता है, और जो आम होता है वो हमारे शरीर का काम तमाम कर देता है। आम जो है वो गठिया रोग है, कमर दर्द है, मोटापा है, गैस है, ये सब बीमारियों से और नई नई बीमारियों का जन्म होता है। तो साथियों, ये 4 खजूर खाएंगे तो आपको कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। और दूसरा साथियों, मैं आपको बता दूंगा, दिल जिनका लगता है कि मेरा दिल कमज़ोर है, हार्ट अटैक की उनको डर रहता है, तो ऐसे में जो है 4 खजूर खाने से इसमें आराम मिलता है। क्योंकि खजूर के अंदर विटामिन B1, B2, B3 और A1 और पोटेशियम, मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, तो इसलिए ये जो है दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो आप 4 खजूर रोज़ खाना खाएं तो आपको दिल का हार्ट अटैक होने की बीमारी से भी खतरा दूर हो जाएगा। साथियों, खजूर में जो है ये मैग्नीशियम बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, और जो मैग्नीशियम होता है वो क्या मतलब हार्ट की बीमारियों से बचाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जो है खून जमता नहीं है, खून का गाढ़ापन नहीं होता है, और इसमें गठिया हो, अल्जाइमर जैसे रोग भी आपको दूर रखते हैं। तो साथियों, खजूर के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रित में रहता है, और ब्लड प्रेशर जो है आपका बिल्कुल ठीक से रहता है, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर से भी आपको राहत मिलेगी। दूसरा साथियों, खजूर जो है आपके शरीर के अंदर खून को बढ़ाता है। अगर जिन भाई को लगता है, किसी परिवार में किसी भी सदस्य को लगता है कि खून की कमी है, एनीमिया की शिकारी है, तो एनीमिया से बचने के लिए आप खजूर खाएं। क्योंकि खजूर के अंदर काफ़ी मात्रा में आयरन मिलता है, और जो आयरन है वो खून को बढ़ाने में मददगार होता है। तो आयरन काफ़ी मात्रा में मिलता है इसमें, तो इसके लिए आप जो है खजूर खाएं और अपना खून आपका बढ़ेगा, और इससे खून की कमी दूर होगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। साथियों, दूसरा, खजूर के अंदर वो सभी तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग को, हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ताकत देते हैं,
और हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे दिमाग को बहुत ही अच्छा कंट्रोल करते हैं। इसमें जो पोटेशियम होता है, तो खजूर का जो पोटेशियम है वो हमारे दिमाग को अलर्ट रखता है और हमें तरोताज़ा रखता है। तो आप इसके लिए भी खजूर खाएं और अपने दिमाग को कंट्रोल करें। दूसरा साथियों, जो ये प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, खजूर उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। बच्चा और माँ के लिए दोनों स्वस्थ रहते हैं। और इसमें जो बच्चेदानी होती है गर्भाशय की, जो जो महिलाओं की जो गर्भाशय है, ये खजूर जो है उसको भी मजबूती प्रदान करता है। तो उसके लिए भी आप खजूर का सेवन कराएं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो आप देखेंगे ये उनको लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा। दूसरा साथी, रोज़ाना 3 से 4 खजूर सुबह खाली पेट खाने से आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपके आंखों की ज्योति बढ़ती है और आंखों की बीमारियों का नाश होता है। यदि किसी को रतौंधी है तो रतौंधी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप रोज़ाना 3 से 4 खजूर खाएं और अपने आंखों को स्वस्थ बनाएं। साथियों, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, खजूर के अंदर फ्लोरीन भी पाया जाता है। और फ्लोरीन एक ऐसा केमिकल है जो दांतों से प्लाक हटाकर कैविटी नहीं जमने देता है। और ये जो है अपना टूथ इनेमल यानी कि दंत वल्क को भी मजबूती करता है। तो आप अपने दांतों की मजबूती के लिए भी खजूर का सेवन कर सकते हैं। साथ में दूसरा, खजूर के लिए आप स्किन और बालों के लिए बताना चाहूँगा कि ये स्किन और बालों के लिए कैसे काम करता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। जो विटामिन सी है ये आपके जो त्वचा है, त्वचा को सुंदर बनाता है। और जो उसका विटामिन B5 स्ट्रेच मार्क हटाने में मदद करता है, इसमें विटामिन B5 भी मिलता है। तो जो आपके चेहरे के जो निशान हैं, झुर्रियाँ हैं, ये उनको भी दूर करता है। और ये विटामिन B जो है B5, ये बालों को भी जो है मजबूती प्रदान करता है। तो उसके लिए आप चेहरे के लिए, सुंदरता के लिए, अपने स्किन ग्लो पाने के लिए और बालों की बीमारियां हटाने के लिए भी खजूर का सेवन करें और लाभ उठाएं। दूसरा साथियों, अब मैं अंत में बताना चाहूँगा, खजूर जो है वो सेक्स पावर भी बढ़ाता है। यदि आप 4 खजूर दूध में उबाल कर रात को पीते हैं तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी जो सेक्स पावर क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो उसके लिए भी आप जवानी पाने के लिए भी आप जो है खजूर का सेवन दूध में उबाल कर कर सकते हैं। साथियों, आपको करना क्या है, 5 खजूर या 4 खजूर लेना है और इसको भिगो देना है इसको दूध में। इसको दूध में भिगोने के बाद में, जैसे कि आपने दोपहर को दूध में भिगो दिया है और शाम को इस दूध को अच्छी तरह उबाल लेना है। और शाम को ही कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आपको ये दूध पीना है, जो कि आप दूध को पचा सकें, खजूर को पचा सकें, दूध में उबाल के खजूर को खा लेना है। और आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन तक तो जब आप सेवन करेंगे तो आप उसको इसका अलग ही लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये था खजूर के बारे में जो ज्ञान वो मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो देखें और जो भी मैंने बताया है उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।